हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अवनाथ जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ, कुछ नया नहीं लाया हूँ, सब पुराना है। ये 10.6 जो लिखा था पहले, उसी को चेंज करके 10.7 किया है और स्टेटमेंट बदल दी और सारा रफ कर दिया है। क्वेश्चन को सर्किल भी तो चेंज नहीं किया, वो भी पुराना है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, वो पहले वाली थ्योरम 10.6 थी, उसी की कन्वर्स थ्योरम है 10.7 जो कि एनसीईआरटी की है। आइए चलते हैं, इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमको करना है, कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल, कहने का मतलब क्या है, कन्वर्स है। तो पहले हमको ये प्रूफ करने थे दोनों कि ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई, लेकिन अब की बार हमको क्या करना है, बेसिकली ए बी इज इक्वल टू सी डी जो दे रखा था पिछली बार गिवन, इस बार वो हमें प्रूफ करना है। और ओ एक्स और ओ वाई को हमें गिवन है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हमको इस बार कन्वर्स है, तो हमको जो पहले गिवन था वो इस बार प्रूफ करना है, और जो प्रूफ था वो गिवन हो गया है। ठीक है, तो यहां पर लिखना है ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई, तो ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई ये हमको गिवन है, और ये भी गिवन है कि ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी और ओ वाई इज परपेंडिकुलर टू सी डी, करेक्ट, ये चीजें हमको गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। तो प्रूफ में हमको क्या करना है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। अब हमको कंस्ट्रक्शन क्या करना था, तो वही पुराना कंस्ट्रक्शन है, मैंने रब भी नहीं किया, ओ बी और ओ सी को आपस में ज्वाइन कर दीजिए, तो ओ बी एंड ओ सी को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद हमको मालूम पड़ चुका है कि यहां पर भी हमें ट्राइंगल प्रूफ करनी है, तो मैं इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के क्या ले लूंगा, कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करेंगे और हो भी जाएगा, बहुत ईजी है। तो यहां पर लिखेंगे ट्राइंगल ओ एक्स बी एंड ट्राइंगल ओ वाई सी, ओ एक्स बी और ओ वाई सी, ओ एक्स सी, ओ एक्स बी, ओ एक्स बी और ओ वाई सी आपस में कॉन्ग्रेंट करेंगे। अब देखिए, इसमें कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमको मालूम है कि ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई, ये हमको दे रखा है बाई गिवन, और हमको मालूम है कि एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 है, ये हमको गिवन है, और ये ओ बी और ओ सी आपस में क्या है, रेडियस है, ओ बी और ओ सी ये रेडियस ऑफ सर्किल है, इसलिए ये आपस में इक्वल है। अब ये तीनों आपस में इक्वल मिल चुके हैं, तो 90 डिग्री जब भी हो, 90 डिग्री की सामने वाली साइड लेनी हो हाइपोटेनस, तो हमको मालूम है कौन सी कॉन्ग्रेंसी रूल लगता है, आर एच एस लगता है, तो यहां पर भी लगाएंगे बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ एक्स बी, ओ एक्स बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ वाई सी। अब ओ एक्स बी और ओ वाई सी आपस में क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, और जब ये कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो हम लिख सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू वाई सी, तो यहां पर लिख देंगे एक्स बी इज इक्वल टू वाई सी। अब एक्स बी और वाई सी अगर आपस में इक्वल हो चुके हैं तो इनको डबल कर सकते हैं, तो यहां पर लिख देंगे टू एक्स बी इज इक्वल टू टू वाई सी, दोनों को डबल कर दिया, और ये क्यों इक्वल हुए, बाय सी पी सी टी से। अब टू एक्स बी और टू वाई सी क्या होता है हमारा, हमको मालूम है टू एक्स बी और टू वाई सी हमारा क्या होगा, सी डी और ए बी, तो यहां पर लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ए बी इज इक्वल टू सी डी को प्रूफ करके जरूर देखिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है, आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करिए। बाय बाय।